नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोक रहे जो बिडेन के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। बड़ी बात यह है कि उनका यह बयान जहां ट्रंप की पूर्व नीतियों के एकदम उलट है, वहीं रेडिकल इस्लाम का समर्थन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि राष्ट्रवाद की गाड़ी पर सवार अमरीकियों में उनके बयान को लेकर आलोचना भी शुरू हो गई है। साथ ही जो बिडेन की लोकप्रियता में कमी भी आने की संभावना है। दरअसल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने मुस्लिम अमरीकियों से देश में मौजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मात देने के लिए उनका साथ देने की अपील की है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को लामबद्ध करने के लिए आयोजित एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में उन्होंने यह अपील की है। बिडेन ने कहा है कि मैं आपका वोट सिर्फ इसलिए नहीं हासिल करना चाहता हूं कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपकी आवाज निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। बिडेन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा मुख्य रूप से कई मुस्लिम देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध के फैसले को घृणित बताते हुए इसे पलटने की प्रतिज्ञा को दोहराया है। बिडेन ने कहा कि मुस्लिम अमरीकियों की बातें हमारे समुदाय और देश के लिए महत्व रखती है, वे मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बिडेन की नीति ट्रंप के एकदम उलट जाने वाली है। जिस तरह से उन्होंने वोटों के लिए मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश की है, वह उनके लिए भी घातक हो सकती है, क्योंकि 26/11 के बाद अमरीकियों में मुस्लिमों के प्रति अच्छी सोच नहीं है, जबकि बिडेन उनकी सोच के विरुद्ध अपनी ताल ठोक रहे हैं। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम लोगों की संख्या 33 लाख के आसपास है, यानी अमेरिका के 32 करोड़ 20 लाख की आबादी में मुस्लिम की हिस्सेदारी लगभग 1% है। मजे की बात यह है कि पिछले साल तक अमेरिका में 32 लाख हिंदू थे और यह हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि अमेरिका में ईसाइयों की जनसंख्या के बाद यहूदी आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि न्यू जर्सी जैसे राज्यों में मुसलमान तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। बिडेन अपने चुनावी कैंपेन में तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि 11 सितंबर 2000 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका में मुसलमान विरोधी भावनाएं मजबूत हुई है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत का श्रेय मुस्लिम विरोध को ही जाता है। हिलेरी क्लिंटन ने मुस्लिमों को लुभाने के लिए ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल किए थे, जिसके नतीजे में उन्हें चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। जबकि इसके उलट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मुसलमान विरोधी बातें कहने के लिए सुर्खियों में रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप राजनीति के मजे खिलाड़ी बन चुके हैं। वे अमेरिका को राष्ट्रवाद के सुबंध दिखाकर लोगों में उत्साह का संचार कर चुके हैं। रेडिकल इस्लाम के प्रति उन्होंने जितनी कठोर कार्रवाई की है, उससे अमेरिका की सुरक्षा को मजबूती मिली है। साथ ही उनके कार्यकाल में इस्लाम के आतंकियों को अमेरिका को छूने की हिम्मत नहीं पड़ी है। स्थिति यह रही है कि उन्होंने इस्लामी आतंकवाद को सिर उठाने का मौका ही नहीं दिया। अमेरिका के स्थानीय मुसलमान जो इन आतंकियों के रहनुमा बनते थे, उन्हें उन्हीं के दड़बों में बंद कर दिया गया। मगर जो बिडेन जैसे सत्ता लोलुप नेता फिर से अमेरिका को पुराने ढर्रे पर लौटाने की फिराक में है। हैरानी की बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम जैसे कई मीडिया हाउस ट्रंप विरोधी अभियान चला रहे हैं। यह मीडिया हाउस ऐसे दावे कर रहे हैं कि जो बिडेन कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, जबकि धरातल पर स्थिति एकदम उलट है। अमेरिकन का झुकाव ट्रंप के प्रति अधिक है। आज भी उनके पुनः राष्ट्रपति बनने की संभावना है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को कम करके दिखाया जाना रूस और चीन जैसे देशों की संलिप्तता को साबित करता है। पर बावजूद इसके जो बिडेन द्वारा दिए जा रहे लुभावने प्रलोभन ट्रंप की जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप केवल अमेरिका की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुनिया को उनकी ज्यादा जरूरत है। चीन और ईरान जैसे मुल्क जिस प्रकार दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, उनका बेहतर इलाज ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति होते ही हो सकता है। बिडेन तो पहले ही चीन के पिट्ठू बन चुके हैं। चाइना की कंपनी से साइनक्योर का पद पाकर घर बैठे मोटा वेतन वसूल रहे हैं। ऐसे में यह बिकाऊ गधा अमेरिका का भला कर पाएगा, इसकी उम्मीद नाम मात्र भी नहीं है। इसलिए ट्रंप को जिताइए, ट्रंप को बनाइए और रेडिकल इस्लाम व चीन से पीछा छुड़ाइए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।